हेलो एवरीवन, एसएसआई 1.2 था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं। फंक्शन दिया है एन टू एन। एन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। डिफाइन बाय हमारा एफ ऑफ एन फंक्शन है एन प्लस वन, जब एन जो ऑड होगा, और एन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, और जब एन ऑड है एन बाई टू व्हेन एन इज इवन, ये दिया है। और हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें समझाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं था, बेस्ट मेथड से मैं बताया था तो सिस्टर होता, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब एन इज ऑड, एन इज ऑड, जब एन ऑड है मतलब ऑड एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एन इक्वल टू, अगर हम लोग वन ले लिए, एन इक्वल टू वन ले लिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या है? एन प्लस वन, मतलब क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू वन था तो वन प्लस वन बाई टू, तो वो क्या आ जाएगा? टू बाई टू, मतलब आ गया क्या? वन आ गया हमारे पास। अब मान लो हम लोग एन इक्वल टू इवन, तो एक इवन भी वैल्यू ले लेते हैं, मतलब एन इक्वल टू टू ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा? टू बाई टू इक्वल टू वन। तो जब हमने एन इक्वल टू वन लिया तो भी फंक्शन की वैल्यू वन आई, जब एन इक्वल टू टू लिया तो भी फंक्शन की वैल्यू वन आई, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग करते जाएंगे और वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये फंक्शन है हमारा, ये डोमेन, ये दो डोमेन, क्लियर है। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है, क्लियर है। तो ये तक नहीं, अब देखते हैं वन, जब एन की वैल्यू वन थी तो वैल्यू हमारे पास से आई वन, और जब एन की वैल्यू टू थी तो भी वैल्यू हमारे पास से आई वन। सिमिलरली जब हम लोग करेंगे, तो जब हमारे पास एन की वैल्यू टू होती, एन की वैल्यू थ्री होती तो हमारे पास वैल्यू आई थी टू, जब एन की वैल्यू फोर होती तो भी हमारे पास वैल्यू आई थी टू, एन की वैल्यू फाइव होती तो हमारे पास वैल्यू आई थी थ्री, एन की वैल्यू सिक्स होती तो भी हमारे पास वैल्यू आई थी थ्री। ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं, एक दो एलिमेंट था, एक ही इमेज बन रहा है। दो एलिमेंट, वन टू था सिर्फ वन, एक ही इमेज बना। थ्री फोर था टू, फाइव सिक्स था थ्री, मतलब दो एलिमेंट था सिर्फ, एक ही इमेज बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट वन वन। क्यों वन वन नहीं है? इसलिए वन वन नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट था सिर्फ, एक ही इमेज बन रहा है, बल्कि हर एक का यूनिक इमेज बनना चाहिए। यूनिक इमेज नहीं बन रहा है ना, वन का भी वैल्यू वन है, टू का भी वैल्यू वन है, तो यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, तो फंक्शन जो है हमारा वो वन वन नहीं है। अब ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, ऑन टू तो है क्योंकि हर एक का इमेज बन रहा है, हर एक का इमेज बन रहा है, हर एक का इमेज तो बन रहा है। तो फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन इज ऑन टू, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट इन तो डोमेन मस्ट हैव प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ पे ये तो है कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, इसका ही प्री इमेज है, इसका वो अलग बात है कि दो प्री इमेज है, पर प्री इमेज तो है ना। ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 7 8 लेते तो 7 8 का 4 4 होता, 9 10 लेते तो उसका 5 होता। तो मतलब प्री इमेज हर एक का बन रहा है, प्री इमेज हर एक का है, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू है, क्लियर है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग देखिए, फंक्शन वन वन नहीं है ये हमने बोल दिया। अब इस तो आप एग्जाम में कैसे लिखो दे, वो भी एग्जाम में आप लिखो दे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल दे देते हम लोग, 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही। पर एफ ऑफ वन अगर हम लोग देते हैं तो 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एफ ऑफ टू अगर हम लोग देते हैं तो 2/2, क्योंकि 2 क्या है, ये ऑड था तो ऑड वाले में डाले, ये इवन है तो इवन वाले में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो फिर हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1, क्लियर है। तो इतना तो कन्फ्यूजन। अब ऑन टू था, हम लोग चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं है, वो चेक करेंगे ऑन टू। तो हम लोग कैसे ऑन टू है ये तो हमें पता है, तो इसे एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे वो आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अच्छे से लिखे हैं तभी तो नंबर आएंगे। तो एग्जाम में कैसे लिखे हैं वो आप देखिए। तो ऑन टू के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एस इक्वल टू वाई होना चाहिए। वाई क्या है यहाँ पे? वाई हमारा फंक्शन है, फंक्शन इस टर्म में दिया है,
फंक्शन nth टर्म में दिया हुआ है, फंक्शन हमारा nth टर्म में दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ s इज इक्वल टू n। क्लियर है। अब n दो तरीके का हो सकता है, या तो n ऑड होगा या तो n इवन होगा, तो n दो तरीके का हो सकता है, या तो n इवन होगा या तो n ऑड होगा। तो पहला दो तेस बना लेते हैं हम लोग, तेस वन व्हेन n इज इक्वल टू ऑड। तो जब n ऑड होता है तो अगर ऑड नंबर था हम लोग 1, 3, 5, 7 था, nth टर्म तक जाएं, तो इसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में इसको कैसे लिखते थे 2n-1। अगर इवन था जाएं तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे 2n लिखते थे या नहीं थे, ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में आप तो पता होगा। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2n-1, अगर ऑड नंबर था हम लोग nth टर्म तक जाएं तो 2n-1 हो जाएगा। तो f ऑफ 2n-1 इज इक्वल टू 2n-1 कहाँ डालेंगे, nth जहाँ पे 2n-1 ऑड है ना, तो nth जहाँ पे 2n-1 डाल देंगे, तो 2n-1 प्लस 1 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2n/2 जो दिया गया n। क्लियर है। अब टेस्ट 2, n इज इक्वल टू ऑड, n जब ऑड है तो nth टर्म पे क्या होता है, nth टर्म पे सीक्वेंस क्या बनेगा 2n बनेगा, 2n बनेगा जब nth सीक्वेंस हो ऑड था 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलता गया n टर्म तक, 2n बन जाएगा। ठीक है। तो f ऑफ 2n हमारे पास क्या आएगा 2n/2 n आएगा। ठीक है, n आएगा। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन जब 2n-1 लिए तो भी यही आया, f ऑफ n 2n जब लिए 2n-1 पे भी n आया, 2n पे भी n आया, और f ऑफ s इक्वल टू n था। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू है, क्योंकि दोनों देखिए दोनों सेम है और हरेता प्री इमेज बन रहा है। अगर आप तो इतना करने की जरूरत नहीं है तो आप समझ तो ऐसे भी सकते हैं, क्योंकि अभी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो समझ तो आप ऐसे भी सकते हैं हरेता प्री इमेज बन रहा है, मतलब ऑन टू तो है ही, लिखने का इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में। क्लियर है। तो आप सीधा जैसे हरेता प्री इमेज बन रहा है मतलब क्या ऑन टू है, तो चलो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन ऑन टू है पर 1-1 नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हमसे पूछा था बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या 1-1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, पर ये 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है पर ऑन टू है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चले हम लोग, चलिए